वेलकम टू नामीबिया। नामीबिया बहुत ही एक यंग कंट्री है, उनको 1990s में ही इंडिपेंडेंस मिला था। नामीबिया आल्सो ए लैंड ऑफ ए नेचुरल ब्यूटी एंड नाउ ए ब्लॉसमिंग पैशन फॉर क्रिकेट। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट इन नामीबिया के बारे में एंड आल्सो हम एक्सप्लोर करेंगे द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट इन दिस अफ्रीकन नेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट इन नामीबिया को जानने से पहले आपको हिस्ट्री को जानना होगा कि कैसे नामीबिया में क्रिकेट का इंट्रोड्यूस हुआ था। सो नामीबिया में क्रिकेट का इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा पर। द फर्स्ट रिकॉर्डेड मैच खेला गया था नामीबिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ओकुजाने प्रिजंस ऑफ द वर कैंप। बट कुछ फोटोग्राफ्स के माने तो ना, तो क्रिकेट इससे भी पहले से ही नामीबिया में एग्जिस्ट करता था। ईयर 1909 में नामीबिया में क्रिकेट खेला गया था एंड जिस टाइम नामीबिया एक जर्मन की कॉलोनी हुआ करता था, उस टाइम उधर की जो लोग है वो प्रिजन में ही इस गेम को एक्सीडेंटली खेलने लगे थे एंड इसके बाद ये गेम जो है वो नामीबिया में एक कॉमन स्पोर्ट हो गया था। इसके बाद साल 1930s में वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन फॉर्म हुआ था एंड वेस्ट अफ्रीका क्रिकेट यूनियन में नामीबिया भी एक पार्ट था। एंड 1930s से बाद से ही ना जो नामीबिया है वो अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच भी इस कंट्री में होने लगा था। देन 1960s आते आते ना जो क्रिकेट है वो उधर की जो पॉपुलेशन है उनको भी लुभाने लगे थे एंड नामीबिया साउथ अफ्रीका की जितने भी डोमेस्टिक लीग्स होता था सारे लीग्स में नामीबिया खेलते थे उस टाइम से। एंड ऑल्सो देखो, साउथ अफ्रीका ने भी नामीबिया को क्रिकेट के मामले में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। एंड फाइनली साल 1990 आता है जिस टाइम पर ना नामीबिया को इंडिपेंडेंस मिला था। एंड देन अगले दो साल के अंतर ही नामीबिया ने अपनी कंट्री में क्रिकेट बोर्ड का ऑर्गेनाइज किया एंड इसके साथ साथ साल 1992 में नामीबिया को ICC से भी मेंबरशिप मिल गया था गाइस, ODI T20 का। इसके बाद साल 2003 में नामीबिया ने किसी भी बड़े टूर्नामेंट पे हिस्सा लिया था जो था 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। बट इस वर्ल्ड कप में ना 2003 की वर्ल्ड कप में नामीबिया ने एक भी मैचेस नहीं जीता था, बट फिर भी हमें ये इंगित तो देता है कि एक और उभरते हुए क्रिकेटिंग नेशन है जो आने वाले टाइम में क्रिकेट पर डोमिनेट करने वाले हैं। सो दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेटिंग नामीबिया, मैंने शॉर्टली आपको बताया है, वरना तो वीडियो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट सिचुएशन इन नामीबिया क्रिकेट के बारे में। तो गाइस देखो, आज के टाइम में अगर बात करें नामीबिया की तो उनकी ODI रैंकिंग है 16 पोजीशन पर एंड उनकी जो T20 रैंकिंग है वो है 14 पोजीशन पर। उनके पास अभी ODI एंड T20 दोनों का स्टेटस ही है। रिसेंटली जो ये टीम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करा है। उन्होंने जो पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप है 2021 एंड 2022 दोनों में ही एटलीस्ट क्वालिफाई किया है एंड ऑल्सो 2021 में तो उन्होंने फर्स्ट अपनी टेस्ट प्लेइंग नेशन को भी हराया था। एंड आफ्टर 2021 सक्सेसफुल वर्ल्ड कप के बाद ना 2022 में ये टीम ने बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लेकर आए थे एंड उन्होंने प्रूव भी किया था गाइस। उन्होंने 2022 की अपनी फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप के मैच में ना द विनर टीम, द चैम्पियन टीम श्रीलंका को भी हराया था गाइस। एंड हाल ही में ना नामीबिया ने जो 2022 की जो ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का जो किताब है वो भी इस कंट्री ने जीता है गाइस, जिससे आप ये तो अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिकेट जो है एक कंट्री में भी बहुत ही ज़्यादा कुछ कर रहा है गाइस। आई नो दे फेल्ड टू क्वालिफाई 2023 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बट ये टीम के पास था बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड आई थिंक ICC को ना जो नामीबिया जैसे कंट्रीज है जैसे लाइक उगांडा, नाइजीरिया, इस तरह के कंट्री को ना और भी ज़्यादा इसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिकेट स्टेडियम इन नामीबिया के बारे में। तो देखो, आज के टाइम की अगर बात करें ना, देखो 2-3 स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा नामीबिया में क्रिकेट की, जो मतलब ठीक ठाक स्टेडियम है, मतलब ओपन फील्ड स्टेडियम होंगे एंड ऑल्सो ये ICC स्टैंडर्ड स्टेडियम तो नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही खराब है नामीबिया में, बट धीरे धीरे ये सुधर जाएगा। अगर उनकी टीम अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं लगता, अगर टीम अच्छे करे तो उनकी जो बोर्ड है वो उनको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस करना होगा। स्कूल्स में देखो ओपन फील्ड स्टेडियम तो है, बट मैं इसको स्टेडियम की काउंटिंग में नहीं बोल रहा हूँ। तो उनको अभी जो स्टेडियम्स हैं उनके ऊपर काम करना होगा, स्पेशली उनको एक एटलीस्ट ICC स्टैंडर्ड स्टेडियम की ज़रूरत है ताकि उनकी जो लोग हैं ना वो अपनी टीम को खेलते हुए देख सके। एटलीस्ट उनकी जो मतलब बच्चे हैं जो आने वाले टाइम में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो बच्चे अपने हीरोज़ को आके देखे एटलीस्ट, तो स्टेडियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे जो लगता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी क्रिकेट फैंस आर देयर इन नामीबिया।
तो देखो इस चीज़ को ढूंढने के लिए ना गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स को भरा है, मैं सीरियसली बोलता हूँ मैंने बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स को भरा है, बट आई फाउंड नथिंग। बट मैं एक प्रिडिक्शन तो कर सकता हूँ, मेरा जितना नॉलेज है, मैंने जितना आर्टिकल्स को भरा है ना, इससे हम एक गैस लगा सकते। सो अकॉर्डिंग टू मी क्रिकेट नामीबिया में ना थर्ड पॉपुलर स्पोर्ट है, ओके, आफ्टर फुटबॉल एंड रग्बी क्रिकेट नामीबिया में थर्ड पॉपुलर स्पोर्ट है। नामीबिया की जो कैप्टन है हिरस्पस, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इट इज़ अ स्मॉल कंट्री, ओनली फ्यू पीपल प्ले क्रिकेट, एंड ऑल्सो जो वाइट पॉपुलेशन है नामीबिया में, इसमें ही क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू द ब्लैक पॉपुलेशन। एंड नामीबिया में ना वाइट पॉपुलेशन की जो मार्क है ये ओनली 6-7% ही है, एंड इस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है गाइस, 25 लाख प्लस है। तो मुझे जितना लगता है कुछ तो पॉपुलेशन ज़रूर होंगे जो माइग्रेंट करके आए हैं, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रखता है नामीबिया साउथ अफ्रीका से। तो मुझे जो लगता है ना गाइस कि फैंस है, ऐसा नहीं कि फैंस बिल्कुल भी नहीं, फैंस है, थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है तो फैंस तो होंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी नेटिव प्लेयर्स आर देयर इन देयर नेशनल स्क्वाड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस कंट्री के साथ साउथ अफ्रीका की बहुत ही ज़्यादा कुछ हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, एंड नामीबिया को ना साउथ अफ्रीका से ही इंडिपेंडेंस मिला था 1990s में। ओके, तो इस कंट्री में आपको 90-95% जो प्लेयर्स है वो आपको नेटिव प्लेयर्स से देखने को मिलते हैं, ओनली जो 5-10% प्लेयर है वो आपको फॉरेनर्स देखने को मिलता है, एंड जो फॉरेनर्स है ना गाइस वो स्पेशली साउथ अफ्रीका से जो माइग्रेंट्स है वो ही है। ओके, तो इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दो कंट्री बिल्कुल ही आसपास है, तो कुछ तो लोग माइग्रेंट जरूर करेंगे, ये तो फैक्ट है। एंड गाइस अगर उनकी करेंट स्क्वाड को देखेंगे ना तो कुछ ऐसे प्लेयर भी हमें देखने को मिलते हैं जो बाहर की जो T20 लीग्स है इनमें भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि गेरेंट एरास्मस जो उनकी टीम की कैप्टन है, वो अभी जो इंटरनेशनल T20 लीग है ना इसमें गल्फ जायंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो ग्लोबल T20 लीग कनाडा में होता है ना इसमें भी टोरंटो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जाई फ्राइलिंग जो ग्लोबल T20 लीग में है ब्रैम्पटन वोल्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ है वेरेंट स्कॉल्च जो सरी जैगवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसके साथ है जो सबसे पॉपुलर प्लेयर है डेविड वोइस है। डेविड वोइस सुसेक में भी रिप्रेजेंट करता है, PSL में लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करता है, CPL में सेंट लूसिया किंग्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल्सो IPL में ना KKR को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो बहुत ही एक अच्छी बात है छोटी टीम्स के लिए कि वो बड़े बड़े T20 लीग्स को आके खेलते हैं एटलीस्ट, जिससे जो कंट्री है नेक्स्ट कंट्री की प्रोग्रेस आपके सामने आता है कि कितना प्रोग्रेस वो लोग कर रहे हैं। ऑल्सो मैं इस बात को भी मानता हूँ कि डेविड वोइसा बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से भी खेल चुके हैं, बट वो तो अभी नामीबिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ऑब्वियसली मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया कुछ प्लेयर्स अब कैसे देखने को मिलेंगे साउथ अफ्रीका नामीबिया में जो मतलब क्रॉस है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्लान फॉर नामीबिया क्रिकेट बोर्ड टू डेवलपिंग क्रिकेट इन देयर कंट्री। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2022 की जो ICC इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उन्होंने इसको जीता है, इसके अवार्ड को उन्होंने जीता है। तो इससे तो आपको ये बात तो अंदाजा लग चुका होगा कि अभी के टाइम में जो नामीबिया है वो जो डेवलपिंग प्रोग्राम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा करवा रहा है क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि पिछले साल ही 2021 एंड 2022 की अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखोगे ना तो बहुत ही गाइस अच्छा रहा है। गाइस उन्होंने देखो अभी डेवलपिंग प्रोग्राम भी रन कर रहा है, एंड जो क्रिकेट है ना गाइस वो अभी क्रिकेट जो स्कूलों में है ना वो अभी एक्टिव क्रिकेट लीग भी कंडक्ट कर रहा है गाइस स्कूलों में। ओके, जो अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 एंड अंडर 19 लेवल की जो लीग्स है वो अभी स्कूल में भी कॉन्टैक्ट कर रहा है क्रिकेट नामीबिया। तो दिस इज अ रियली ग्रेट थिंग गाइस, मैं बोलता हूँ डेवलपिंग प्रोग्राम एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जितना टीम का अच्छा होगा ना वो टीम इतना ही ऊपर उठेगा। ऑल्सो देखो जो क्लब्स अगर बात करें क्लब्स की तो आज के टाइम में देखो नामीबिया में टोटल 15 से ज़्यादा क्लब्स मौजूद है, एंड ऑल्सो क्लब्स का भी बहुत ज़्यादा भूमिका रहता है क्रिकेट की पॉपुलरिटी के लिए। तो ऑल्सो अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है गाइस क्रिकेट इन नामीबिया, एंड उनकी जो बोर्ड है बोर्ड भी जो लोकल पॉपुलेशन है ना उनको भी मतलब क्रिकेट को एक्सपीरियंस करा रहा है। तो मैं रियली होप करता हूँ कि ICC जो अपनी FTP जो प्रोग्राम रन करते हैं ना फ्यूचर टूर प्रोग्राम इसको थोड़ा चेंजेस करे। देखो जैसे मान लो अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को विजिट करेंगे तब कुछ ऐसा रूल ICC कर सकता है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ साथ नामीबिया के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओके, ऐसा कुछ कर सकता है ICC ताकि छोटे जो टीम्स है ना वो और भी ऊपर आएंगे। एंड ऑल्सो देखो हाल ही में जो नामीबिया है वो इंडिया में भी विजिट किया था, एंड जो कनाडा का जो टीम है कनाडा की टीम के साथ भी खेला था गाइस, जिससे ये टीम को ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन भी हुआ है। उन्होंने सीरीज तो हारा है, एट द एंड ऑफ द डे उनको बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, ये मैं कन्फर्म हूँ। तो यस, बहुत ही अभी उनकी बोर्ड अच्छा कर रहा है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ नामीबिया क्रिकेट।
सो फ्यूचर की अगर बात करें तो देखो फ्यूचर टूर की अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, सो 2024 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, इसकी अफ्रीका क्वालिफायर स्टार्ट होंगे इसी साल 20 नवंबर से, जिसमें नामीबिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है एंड ऑल्सो नामीबिया होस्ट भी कर रहेगा इस क्वालिफायर्स को। एंड मैं रियली होप करता हूँ कि 2024 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें ये टीम क्वालिफाई कर लेंगे, मुझे जितना लगता है। एंड ऑल्सो 2024 की जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो श्रीलंका में होंगे, इसमें भी ये टीम पार्टिसिपेट कर रहा है एंड होप करता हूँ कि इसमें भी ये टीम क्वालिफाई कर ले। ओके, बहुत ही एक अच्छी बात है उनकी टीम के लिए, अगर अंडर 19 टीम एंड नेशनल टीम एक साथ ग्रो करेंगे ना, ऑल्सो वुमेन्स टीम भी, ये तो हमें बहुत ही अच्छा इंगित दे रहा है। एंड ऑल्सो गाइज, बहुत ही जो अच्छी बात है फ्यूचर की ओर से देखिए तो 2027 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के साथ साथ नामीबिया भी होस्ट करेंगे। ओके, आई नो नामीबिया को डायरेक्टली क्वालिफिकेशन नहीं मिला है होस्ट करने के बाद भी, क्योंकि उनको मतलब जो क्वालिफायर्स है ना, क्वालिफायर्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके, उनको कोई भी मतलब टूर्नामेंट नहीं खेलना पड़ेगा, वो लोग क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर चुके। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है कि नामीबिया 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। इससे देखो क्रिकेट कुछ हद तक तो मतलब लोगों के बीच में अननोन नहीं रहेगा। ओके, अभी भी स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग है जो क्रिकेट को जानते ही नहीं है ओके नामीबिया में, बट फिर भी बहुत ज्यादा परसेंटेज ऐसे भी है जो क्रिकेट को जानते हैं। मैं होप करता हूँ नामीबिया आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अच्छे करे। तो क्या सोचते हो आप इसके बारे में, तो नीचे कमेंट पे जरूर बताना गाइस। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं लास्ट बात में बोलना चाहता हूँ, सो गाइस देखो मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगता है जिसके लिए मैं और टाइम लेता हूँ। ओके, मैं हर दिन इस टाइप की टॉपिक को नहीं आपके सामने नहीं ला सकता, इट इज इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं श्योर करता हूँ आपको हर हफ्ते ना एक वीडियो जरूर मैं लाने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे और भी ज्यादा इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल का एक मेंबर भी बन सकते हो ओनली 29 rupees पर मंथ से गाइस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस मेरा पूरा वीडियो को देखने के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा। हैव ए ग्रेट डे।